वेलकम बैक टू नीट नाउ। इंस्पायर में हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से अपना जो बायोलॉजी का स्कोर है उसको बढ़ाएं। सब लोग यही बात करते हैं कि क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है। सब रीज़न यही देते हैं कि आपकी पढ़ाई उतनी स्ट्रांग नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी ऐसे रीज़न्स हैं जिन पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अब पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है ये तो आप सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पढ़ाई कैसे की जाए इंटरेस्ट के साथ। सबसे पहला अगर आप हम पॉइंट देखेंगे यहाँ पे तो हमारा है प्रिपरेशन लेवल। जो आपका प्रिपरेशन लेवल होना चाहिए बायोलॉजी के लिए, क्या आप उसको कंसिडर कर रहे हैं कि वो किस लेवल पे है? क्या आप समझ रहे हैं कि नीट में अब कुछ ही महीने बाकी हैं, क्या आप तैयार हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि नीट अब आपके अगले हफ्ते ही होगा, आर यू रेडी? आप में से यकीन मानिए जो नीट टॉप करेगा ना, शायद उसका भी आंसर इस टाइम ना ही होगा। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को ये समझना है कि हमारा जो प्रिपरेशन का लेवल है, आज चाहे ज़ीरो पे हो, पहुंचना उसको टॉप पे है। पहुंचना अपने आप से जो आज आप हैं, एक हफ्ते बाद आपका लेवल बेटर होना चाहिए। बेटर कैसे होगा? लेवल बेटर करेंगी आपकी बुक्स। लेवल आपका तय करेगा आपकी चैप्टर का प्रिपरेशन। आपकी इसकी कसौटी क्या होगी? MCQ सॉल्व करना। सबसे पहले बुक्स आपकी, NCERT इज़ अ मस्ट। मैं अपने जो भी बायो के लेक्चर्स बना रही हूँ वो केवल और केवल NCERT से बना रही हूँ। आप वो लेक्चर्स देखें, उनसे अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि आपको उसमें से कितना आता है। NCERT को रेफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो नीट का पेपर है वो NCERT से ही आता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि NCERT इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फॉर नीट, एटलीस्ट जहाँ तक मैं बायोलॉजी की बात करूँ वहाँ तक। उसके अलावा आप छोटे छोटे टॉपिक्स आपके बटे हुए हैं ऑलरेडी हर एक चैप्टर में, उनको देखिए, उनके ऊपर आने वाले MCQs को देखिए, उनको सॉल्व करिए। जब तक आप ये पूरा प्रोसेस सॉर्ट ऑफ नहीं करेंगे, देर जो आपका प्रिपरेशन लेवल का जो रीच है वो कहीं आगे नहीं बढ़ने वाला। लेट मी टेल यू, आज एक चैप्टर पढ़िए। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया है कि आपको, अगर आपने 11th जैन से भी स्टार्ट की होगी, आप नीट तक दो बार अपने पूरे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हैं, पूरे देख सकते हैं। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, एक चैप्टर करिए, MCQs सॉल्व करिए, जो नहीं आ रहा है उसको दोबारा पढ़िए, समझिए कि आपसे क्यों मिस्टेक हुई। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के नहीं होंगे। और नीट में हालांकि कुछ स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, गिव रीज़न, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके हमेशा घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। वो आपका क्लास वन या क्लास टू का एग्ज़ाम नहीं है, इट इज़ एन एग्ज़ामिनेशन दैट इज़ हेल्ड एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल की बात हो रही है। अब तो एम्स और जिपमर का भी एडमिशन इसी के थ्रू होगा, तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन आपका कितना ज़्यादा तगड़ा है। इससे में आपको, अभी तक आपने जो किया ठीक है, पढ़ाई की, वेल एंड गुड, नहीं की अब तो जुट जाइए। जो भी आपका प्रिपरेशन लेवल है आज का, मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि भले ज़ीरो हो, उसको आगे तो बढ़ाइए। ये मत सोचिए दिमाग में कि अगर इस साल नीट नहीं हुआ मैं अगले साल दे दूंगा, मैं उसके अगले साल दे दूंगा। मान लीजिए अगर NTA कल को एज रिस्ट्रिक्शन लगा लेता है, आप क्या करेंगे? या ये कह देता है कि 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, आप क्या करेंगे? जो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। मेक श्योर यू गो थ्रू एवरीथिंग ओवर एंड ओवर, कोई कसर मत छोड़िए। अपना प्रिपरेशन लेवल, अपना गेम जो है वो स्ट्रॉन्ग करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझिए। दूसरी बात जो आती है ये फिज़िक्स की। अब मैं बायो में फिज़िक्स क्यों बता रही हूँ? मैं बायो में फिज़िक्स इसलिए बता रही हूँ कि अधिकतर बच्चों को फिज़िक्स से डर लगता है। फिज़िक्स उनके लिए एक हवा है। फिज़िक्स उनके लिए, न्यूमेरिकल्स की बात कर लें, कॉन्सेप्ट की बात कर लें, यहाँ तक कि मुझे ये भी बताया गया है कि बच्चों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस पता नहीं है। आप क्या करेंगे इसके साथ? मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, अगर उसमें से आप 7 घंटे फिज़िक्स को दे देंगे, आपके पास सिर्फ 3 घंटे बचेंगे। उसमें आपको केमिस्ट्री भी करना होगा, उसमें आपको आपका बायोलॉजी भी करना होगा, कैसे कर पाएंगे? इसके लिए ये ज़रूरी है कि पहली बात, फिज़िक्स से डरना बंद कीजिए।
आपके जितने भी डीमंस हैं या आपके जितने भी शैतान हैं फिजिक्स को लेके, उनको हेड ऑन, उनको सीधा कह दीजिए कि तुम लोग मुझे चैलेंज कर रहे हो, आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। पढ़ाई में जुट जाइए, वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, सीखिए कैसे चीज़ें सॉल्व होती हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर एक चीज़ आपको समझ में आ गई ना, तो वो चीज़ आप कितनी भी बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी भी बार आप वो प्रूफ कर सकते हैं, कितनी बार भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले डरना बंद, पढ़ना शुरू। फिज़िक्स एक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर वो आपके लिए रखी है सिलेबस में, यानी आपकी मेंटल कैपेसिटी है उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको समझना। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगी, लेकिन वो इजी कब होगी, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज का टास्क है आपका, फिजिक्स से डर खत्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि अब हमको पढ़ना है, अब हमको जुट जाना है, अब हमें लड़ना है, ठीक है। बायो में अगेन, पेपर में मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, बच्चे फिजिक्स देखेंगे पहले, वो देख के पेपर उनकी हवाइयाँ छूट जाती है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसको देख के उसका जो डर होता है। तो अगर आप फिजिक्स को आगे, अगर आप बायो जाएंगे या आप केमिस्ट्री जाएंगे, उस डर की वजह से जो क्वेश्चन आप सही भी शायद कर सकते थे, वो भी आप गलत करके आते हैं। बहुतों के साथ होता है, नथिंग टू बी एम्बैरस्ड अबाउट, लेकिन उसको ठीक तो करिए ना अपनी मिस्टेक को, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार कोशिश करिए कि फिजिक्स से डरे नहीं और डटें, ताकि हम आगे बढ़ के उसको सॉल्व कर सकें। थर्ड, मॉक टेस्ट। मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स, मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। आपको वो ज्वाइन करना है, आपको टेस्ट सीरीज के लिए अपियर होना है। ये मत सोचिए कि मैं अप्रैल तक पढ़ाई कर लेता हूँ, अप्रैल में सारे टेस्ट सॉल्व कर लूँगा, या पेपर लेके आ जाता हूँ बाद में सॉल्व करें, या नथिंग डूइंग। अभी से शुरू कर दीजिए। आज आपके चार चैप्टर रेडी है ना, देखिए तो देखिए चार चैप्टर में से आपको कितना आता है। कुछ कोचिंग्स जो होती हैं या कुछ टेस्ट सीरीज जो होती हैं, वो पार्ट टेस्ट भी रखती हैं। पार्ट टेस्ट दीजिए, आपकी दो यूनिट बन गए हैं, उस पर्टिकुलर यूनिट के जो टेस्ट हैं वो अपियर करिए, देखिए। तो अगर आपको पहले से ये डर लग जाएगा कि शायद मेरे मार्क्स खराब आएंगे, किसको परवाह है, आपको पता चलेगा ना आपका लेवल क्या है, आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, उसी के हिसाब से तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अब एग्जांपल लीजिए, अगर कोई डॉक्टर है, वो किसी अपने पेशेंट को देता है कि आप अपनी शुगर की जाँच कराइए, अगर वो पेशेंट सुई के डर की वजह से वो जाँच ही नहीं कराता है, तो जो डॉक्टर है उसे क्या दवाइयाँ देगा ठीक करने के लिए। यही चीज़ आपके साथ है, आपको समझना है। जब तक आप अपना प्रिपरेशन लेवल नहीं देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, आप उसके आगे कैसे बढ़ेंगे। दिमाग में रखने से, दिमाग में करने से नहीं होता है। अपने आप को उस टाइम पीरियड में, ओवर एंड ओवर मैं आपसे यही कह रही हूँ, आप जो भी टेस्ट के लिए अपेयर होंगे, इवन जो घर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 से 5 में बैठ के ही करिए, आपकी आदत होनी चाहिए। दीजिए टेस्ट उस टाइम पे, देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, देखिए आपकी गेम क्या है। हमें बहुत ज़्यादा, अगर आज भी मैं जैसे कह रही हूँ कि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम 10 तक तो पहुँचिए, 20 तो पहुँचिए, आप ये देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, है ना। तो मॉक टेस्ट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज स्टडीज़। मॉक टेस्ट दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताइए। नेक्स्ट यूनिट हो सकता है मैं आप ही के कहने पर पढ़ा दूँ, कोई डिफ़िकल्ट हो वो हम पहले देख लें, है ना। डरना बंद करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और कोशिश करिए कि आप उसमें अच्छे नंबर लाएं अपनी प्रिपरेशन करके। पार्ट टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, सब कोशिश करिए। सिर्फ आप तक आपका रिजल्ट सीमित है, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ हैं। लास्ट पॉइंट जो है ये क्या है, ये है आपका रेक्टिफाइंग योर मिस्टेक्स। ये लास्ट पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये और ये तीनों सब्जेक्ट पे भी है। मैं बायोलॉजी की यहाँ बात कर रही हूँ, लेकिन सेम गोज़ फॉर फिजिक्स, सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री। प्रिपेयर करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जो आपकी गलती आ रही है उसको रेक्टिफाई करिए। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, पढ़ के पढ़िए और फिर वही क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब ये देखिए कि आपका दिमाग वो चीज़ समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है। जब तक हम लोग ये नहीं सीखेंगे कि हमारी गलती क्या है, हम उसको नहीं सुधारेंगे। तो
तो इससे जैसे ही आप मॉक टेस्ट देते हैं आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, आप देखिए आप ये गलती क्यों कर रहे थे। समझ में नहीं आता है, दोबारा अपने चैप्टर को खोलिए, देखिए आप पूरा पढ़िए उसको और समझिए कि अब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक ये सब चीज़ें स्टेप वाइज जो है हम नहीं फॉलो करेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, नीट के एग्ज़ाम में जब आप अपनी रोल नंबर फिल करते हैं या जब अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन रखिए, डरना नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी जो है वो कंपैरेटिवली इजियर है, अब बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप उसको उसी इंटरेस्ट की तरह पढ़ेंगे या फिर अगर आप उसमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हुए पढ़ेंगे, ट्रस्ट में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। घबराना छोड़ दीजिए, बायो ही है ना, एक सब्जेक्ट ही है, और तो कुछ है नहीं, हवा नहीं है। इसको पढ़िए, शांत मन से पेपर सॉल्व करिए, अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करिए, डरना बंद करिए। दिस इज़ इट, बस ये चीज़ें फॉलो कर लीजिए, आप खुद देखेंगे कि धीरे 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 आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं। नीट में अभी 3.5 महीने के आसपास है, आराम से ये सब किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा प्लान है जो कि आपकी सक्सेस के रेट को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा, आपके बायो में आने वाले मार्क्स बहुत ज़्यादा कर देगा। 360 में से ट्रस्ट मी 320 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से हो सकता है। इसीलिए बस ये करना है, इंटरेस्ट लीजिए, चैप्टर पढ़िए, टॉपिक समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद में लास्टली जो मिस्टेक्स हैं उनको दोबारा पलट के पढ़िए। दिस इज़ इट, बस यही करना है। आज के लिए इंस्पायर में सिर्फ इतना ही। अगली बार हम लोग किसी और चीज़ पर डिस्कस करेंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएं, तो हम उसको भी जल्दी इंक्लूड करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि के हैंडल्स एंड चैनल्स डाल रही हूँ, आप प्लीज़ उन्हें ज्वाइन करिए, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ PDFs भी अपलोड करेंगे, कुछ पोस्ट भी अपलोड करेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी चलेंगी। टिल देन कीप स्टडिंग, डोंट बी अफ्रेड एंड टेक केयर।